स्वागत है दोस्तों YouTube में फिर से। कल एक वीडियो में इसी पार्ट का एक वीडियो पहला पार्ट शुरू किया था, अपलोड किया था। तो यहाँ पे देखिए जो वाइंडिंग है, यहाँ पे हम लोग बार्निश डालने के बाद हम लोग छोड़ दिया था, वो बताया था पहले वीडियो पे कि हम लोग रात भर छोड़ देंगे इस वाइंडिंग को सूखने के लिए, बार्निश डाल दिया था तब। तो अभी हम लोग क्या किया, अब इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए बार्निश होकर रात भर सूख चुका है। अभी हम फिर से दोबारा चेक करूँगा कि आपको ये भी चेक करना है, इम्पोर्टेंट है चेक करना, क्योंकि रात भर छोड़ने के बाद फिर दोबारा ये सूखने के बाद चेक करना है सिर्फ टेस्ट लैंप से या फिर मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर तो मेरा ख़राब है, कंटिन्यूटी नहीं बता पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग बॉडी के साथ और कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो बराबर ठीक है। देखिए बॉडी के साथ चेक कर रहा हूँ तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, टेस्ट लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग का वाइंडिंग काफ़ी ठीक है, बन चुका है। तो अभी मल्टीमीटर से मैं कंटिन्यूटी मोड पे डालूंगा और कंटिन्यूटी मोड पे डाल के फिर मैं आपको बॉडी के साथ चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि तो इसका रेसिस्टेंस जो वैल्यू है वो नहीं दिखा पाएगा। तो देखिए कंटिन्यूटी मोड पे हम लोग डाल दिया, देखिए बीप आवाज़ हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए अगर शॉर्ट होगा तो बीप आवाज़ करेगा, तो देखिए नहीं हो रहा है और मीटर पर भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि लगभग ठीक है। और अभी लास्ट में देखिए कॉमन के साथ बॉडी चेक कर रहा हूँ तो देखिए कोई भी आवाज़ नहीं है, इसका मतलब कि हम लोग का जो स्टार्टर है वो सही है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए स्टार्टर पे हम लोग पहले जोड़ा हुआ था ये जो स्टार्टिंग का वायर और रनिंग का वायर, तो ये अभी हम स्पॉट लगाया था पहले, तो अभी खोल के स्लीपर डालना है, क्योंकि सेफ्टी आपको प्रॉपर रखना है। सेफ्टी अगर आप ठीक से नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वह इस स्टार्टर को फैन को ख़राब होने के लिए। तो आपको पूरा सेफ्टी के साथ वायर को अलग अलग से स्लीपर डालना है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर स्लीपर डाल दिया हर एक सिंगल सिंगल वायर पे, ऐसे ही आपको भी डालना चाहिए। और ये हम लोग जो रनिंग वाला पहला वाला सिरा है उसी में कनेक्ट कर रहा हूँ, सोल्डरिंग कर रहा हूँ एक वायर, और ब्लैक वाला जो वायर है ये स्टार्टिंग एक सिरा पे हम लोग स्पॉट कर देंगे, यानी कि सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन बन जाएगा, कॉमन हमने पहले कर दिया, स्टार्टिंग का एक रनिंग का एक निकाल के हम लोग कॉमन कर दिया। अभी बियरिंग में थोड़ा सा फ्री है क्योंकि सब मैंने पहले साफ़ कर लिया था, गंदगी इसके अंदर था, सूखा हुआ जो ग्रीस होता है उसे हमने साफ़ करके इसमें ग्रीसिंग करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अच्छे वाला ग्रीसिंग कर दिया और दोनों प्लेट में हम लोग ग्रीसिंग कर देंगे। तो इसका पेयरिंग में पुराना वाला जो ग्रीस होता है वो आपको निकाल देना है, नहीं तो बाद में फिर जाम जो प्रॉब्लम होता है बियरिंग जाम हो जाए, तो इसी के कारण बियरिंग जाम होता है। तो पुराना ग्रीसिंग को आपको साफ़ करना है अच्छे से कपड़े से, उसके बाद ही आपको नया ग्रीसिंग डालना है। चलिए अभी स्प्रिंग नीचे डाल दिया, उसके बाद स्टार्टर को बिठाया। स्टार्टर को बिठाने के बाद अभी ऊपर वाला जो प्लेट है इसे भी हम लोग आराम से डाल देंगे वायर को, बड़े सेफ्टी के साथ आपको पहले बाहर निकलना है, उसके बाद आप ऊपर का प्लेट बैठा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो तीन स्क्रू है उसे एक एक स्क्रू डाल के बराबर तीनों बराबर टाइट देना है, यानी कि एक ज़्यादा एक दूसरा कम ऐसा नहीं है, तीनों को बराबर टाइट देना है। और बीच बीच में आपको स्टार्टर जो है घुमा के देखना है, अगर जाम पकड़ रहे तो आपको फिर दोबारा खोलना है इस प्लेट को, खोल के फिर दोबारा ठीक करना है, फिटिंग करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको देखिए घुमा के स्टार्टर को भी घुमा रहा हूँ और टाइट भी कर रहा हूँ तीनों स्क्रू को, वैसे ही आपको बराबर टाइट करना है। देखिए अभी बिल्कुल फ्री है, तो ऐसे आपको घुमा के देखना है। तो चलिए अभी कनेक्शन करते हैं। तो पहले हम लोग वायर कनेक्शन करेंगे कॉमन, तो कॉमन कैसे करेंगे, इस जो रनिंग और स्टार्टिंग का जो दो वायर हम लोग पहले आपको दिखा था पहले वीडियो पे कनेक्शन निकालने के बाद, तो उसी को हम लोग देखिए एक साइड कर दिया पहले, और अभी जो रेड वाला है और एक ब्लैक वाला, ये दोनों कैपेसिटर का वायर है। तो रेड हो गया हम लोग का रनिंग का वायर और ब्लैक वाला हो गया स्टार्टिंग का वायर। अभी एक छोटा सा स्लीपर डाल दिया ताकि वायर हम लोग का ना कटे,
और इसके बाद जब कैपेसिटर जो लॉक है क्लिप को हम लोग इसमें बैठा दिया, और साइड में एक छोटा सा पिक मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया, आप यहाँ पे देख के भी आप समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉमन का वायर जोड़ेंगे जो सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसी पे, और मेरे हाथ में देखिए 2.5 MFD का टिपकॉम ऑयल कैपेसिटर है। यहाँ पे दो वायर बच जाता है, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। तो रेड वाला वायर हम लोग का रनिंग का है जो एन में हम कनेक्शन देंगे नीचे, और जो ब्लैक वाला वायर है स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर हम लोग जोड़ा है उसे हम बीच में जोड़ेंगे जो टर्मिनल है बीच का। ठीक है, ये रनिंग का है, अभी इसे हम जो सबसे नीचे वाला टर्मिनल पे जोड़ेंगे। कॉमन वाला सबसे ऊपर जोड़ दिया, तो ये हम लोग का कनेक्शन इस तरह से हो चुका है। और बीच में हम लोग जोड़ेंगे जो कि स्टार्टिंग का वायर बच जाता है कैपेसिटर में जोड़ा हुआ, तो उसे हम टर्मिनल में जोड़ेंगे बीच वाला में। तो ऐसे कनेक्शन हो चुका है। फिर भी आपका आपका मन में डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट ज़रूर करता हूँ। और दोस्तों पहला वाला वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों वीडियो पहला वीडियो नहीं देखा तो वो इस लिंक पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम सीरीज टेस्ट स्टेम के मदद से देखिए फैन को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद देखिए काफ़ी ये अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों, कोई भी आवाज़ नहीं है और साथ में स्पीड भी ठीक है। देखिए काफ़ी मज़े से चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको दिखाया बस आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया। ठीक है, अगर इस तरह का जो कस्टमर आपको लेके आता है इस तरह का प्रॉब्लम वाला फ़ैन, तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। अगर बड़े आराम से बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा फ़ैन को, क्योंकि बाद में फिर यही फ़ैन जो डिस्टर्ब करता है बहुत प्रॉब्लम देने वाला काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों फिर वीडियो पे अगले लेटेस्ट टॉपिक लेके। धन्यवाद।